जग्गू कसाई जी 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 चलिए जग्गू कसाई मार्केट में बच्चा बच्चा ले आता है इनको। और सुनाओ जग्गू भाई जान क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा हुन बड़ा जानवर से कराना ते कितने को पैसे चाहिए ले लो भाई? बड़े छोटे लिस्ट लेके आ ये लो जग्गू साहब बाजार बड़े जानवर दा सिपन दिया दा लेन दे ओ खुदा दा खौफ कर जग्गू भाई भाई ये तो काट नहीं हो सकते महंगाई बहुत ज्यादा। अच्छा छोटे ने के लाए ने छोटे बकरे दा लेन दे पाए आंदा आंदा। चलो मैं तो सा 5000 ते डन करे ना। चलो लेकिन मैं ना जेडी गल करनी हो पक्की करनी इंज नहीं जे मैं तो सा फोन पे करी तुसी आ कुछ मैं 5 मिनट चाहे मैं 2 मिनट चाहे ही काम नहीं कर नहीं भाई जान दा सही तेरे माल तू फौरन बा तोडे कोल पहुंच सा। ठीक हो गया जी इंशाल्लाह कल रब्ता हो चुप कर यार उदा लगे वैसा इदा ही करना है उस्ताद जी जैसे आपकी मर्जी। हाँ जी भाईजान क्या हुआ किसाई का अभी तक आया नहीं? ओ भाई उसने मुझे बोला था मैं सुबह आ जाऊंगा वो अभी तक आया ही नहीं है। दिन के 12 बज गए हैं सबके जानवर ज़िबा हो गए अभी तक हम ऐसे कैसे बैठे हैं। भाई यार निक्की बोटी रखनी है बड्डी भाई छोटी छोटी रख। चलो मेरा भाई कॉल आ रही किसकी कॉल आया इसने भी काम नहीं करने दे। जी भाई बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई आप किधर हैं भाई? आपने मुझे बोला था मैं सुबह आ जाऊंगा अभी तक आप आए नहीं हैं। देखो 2 बज गए हैं। अब भाई आंदे पाए आधा एक मिनट तक यहां पड़ते पाए तोड़े कोल आए रहा है चा। हां आयो मायो परेशान ना हो ठीक है मैं पड़ता पिया तो सिर्फ पानी शानी पीवा हो तो हां मैं आयो भाई आयो ठीक है आप आ जाएं। काफी नाम है तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो जग्गू कसाई अब हर जगह पे जाते ये कोई तरीका तो नहीं कि आप भी जाएं जी आपको टाइम दे देगा ये कोई तरीका तो नहीं है? चल यार अब क्या करें मजबूरी है बुक जो करवा लिया तो अब इसी से अब देखते हैं वेट करते हैं शायद आ जाए अभी। चलें अल्लाह करे आ जाए। ठीक है चलिए देख। 4 hours later और जा यार जा देखो कसाई आ गया होगा। मैं नहीं जा रहा सुबह से जा रहा नहीं जा 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 आखिरी दफा जा रहा हूं उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा जी। कहा कौन आया? आ गए कि सही जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान के हाल है? बड़ी देर लगा दी आपने यार आज गाड़ी खराब हो गई है इस तो लेट हो गई है। और उठियो भाई किथे तुम्हारा डंगर लेट हो गई है भाई आप खुद लेट हैं हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बंदे फादरे याद है तो लेट हो गई है अच्छा चलें अब आपने देर बिल्कुल भी नहीं लगानी फौरन से करना। देर काय नहीं लगती भाई जान उन्हें बढ़ा के देर छोड़ना होया तो घंटे च। अच्छा अच्छा चले सही है ता भाई आ जाए फिर चलें चलते हैं इनको दिखाते हैं आइए चलते भाई ऐसा नाश्ता कोई नहीं की तो है तो साढ़े घंटे से पराठे बना तो जग लस्सी दही कर दे भाई आप पहले बना तो लें उसके बाद हरे भाई जैसे तुम बनाओ जैसे जनाब होने बना के दे फारे वो बना तो नाश्ता ना आया पीछे जो करके आ रहा हूँ वो बहुत सस्ता था और उसमें गोश्त भी बहुत ज्यादा निकला ज्यादती हो गई तो मैं दसना हाँ मैं तेन लह दे सस्ता इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उन त्राय लाख के भाई लिया और गोश्त भी ज्यादा निकला गोश्त भी बहुत ज्यादा निकला। अच्छा अच्छा सही है चलें चलें करें फिर दरमियान ही रखनी है। चलो ठीक है भाई जान सा खाल भी लाया भाई भाई वैसे तो हम मस्जिद में देते हैं लेकिन आपको कैसे दें? नहीं सानू जरूरत है मेरा बच्चा बीमार है मैं उस वास्ते दवाई लेनी है।
चले ठीक है आप ले जाए, कोई मसला नहीं। ये सिरी और खुरावड़े भी हमने ले जाने। भाई आपने क्या करना है, हम तो इसको मस्जिद में देते होते हैं। नहीं यार मैंने लोड़े में दवाई लेनी थी अगे ही दस यार भाई जानती हो पैसे ऐसे बहना है अगे ही को पाने टोटा। अच्छा अच्छा भाई जी तो सारे पैसे ये ले कितने अंदर जितने आपने बोले थे 5,000। हाँ जी छोटे लिस्ट दे मैंने। कौन सी लिस्ट है भाई जान? रेट बात क्या इंसान 5,000 ही नहीं बार ऐसा कि 36,000 ही कर दिया। नहीं नहीं भाई भाई जान आए वेट ला 36,000 लिस्ट में सारे आदि बता छोड़ें छोटे आदि बढ़े आदि। आपने मेरे साथ डील की थी 25,000 में तो अब मैं कैसे 30,000। भाई जान महंगाई बहुत बात गई है तो सानो इतने बारे में असब त्री पूरा लेना। अच्छा चले खाना भी बन रहे हैं और मेरे एक मेहमान भी आ रहे हैं तो फिर आपको पैसे भी दे देते हैं। नहीं लेट हो जाएगी हमने आगे भी सिर्फ 2 मिनट बस वो आने वाले हैं। आप पैसे भी ले जाना खाना भी आपका बन गया वो भी खा। नहीं आप पैसे पूरे करो हमने जाना हम बस जाना सिर्फ 2 मिनट आप वेट करें मेहमान भी आ रहे हैं और खाना भी आ खाने को छोड़ो पैसे हमें पूरे करो बस 2 मिनट वेट करें आ रहे हैं बस वो पहुँचने वाले। मैं हूँ स्नोबर 4G न्यूज़ से मेरी तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आपको बकरा ईद मुबारक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे लोग ईद के मौके पर लोगों को लूटते हैं जैसे कि कसाई हो गए, तो ऐसे ही हमारा एक कसाई को हम काफ़ी टाइम से नोट कर रहे हैं तो वो इस तरह ही लूट रहे हैं लोगों को, पैसे उनसे ज़्यादा ले रहे हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। ये जग्गू है? आप ही है जग्गू? आपको कैसे पता? आपके खिलाफ काफी सारी कंप्लेन है। नहीं मेरे खिलाफ नहीं, इसके मैंने देखा है ये है जग्गू को सही। नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैं नहीं हूँ। आप उस बच्चे पे क्यों डाल रही हैं? क्यों क्या हुआ है? मैं आपके खिलाफ काफी कंप्लेंट आ रही हैं। कौन सी कंप्लेंट आई है? आप लोगों से ज्यादा पेमेंट लेते हैं कसाई के? अपनी मजदूरी ले रहे हैं हम तो। मजदूरी कैसे ले रहे हैं? हमारे पास प्रूफ है। कौन सा प्रूफ? आप किस बेस पे ज़्यादा रेट कर रही हैं? रेट महंगाई इतनी हो गई है, खर्चे घर के भी हैं, बीवी को शॉपिंग भी करवानी होती है। तो आप लोगों को लूटेंगे ऐसे? तो फिर हम क्या करें, हर कोई ऐसी तरह रेट बढ़ा रहा है, हमारे भी रेट बढ़ गए हैं। तो आप अपने जुबान से मुकर रहे हैं, पहले आपने 25,000 एक क्लाइंट को कहा, फिर आप 30,000 उससे ले रहे हैं। जिधर से हमें ज्यादा मिलेंगे हमने तो उधर से ही लेने हैं, हम कैसे 25? ज्यादा किधर से मिलेंगे? पहले आपने एक ही क्लाइंट को 25,000 बोला, फिर 30 भी आप? बाकी सब से हम 30,000 ले रहे हैं, फिर इसको कैसे 25,000 करके दे? तो पहले क्यों 25 बोला है? हमारे पास प्रूफ है, उन्होंने कंप्लेंट की आपके खिलाफ। नहीं कैसे कंप्लेंट किया है, उसको पहले बोला था हमारे पास लेट रेस्ट अपडेट हो गई है सब कसाईयों। आप अपनी जुबान से मुकर रहे हैं ना, पहले हमें बोला था कि 25,000 आपने उसे। ये पैसे कहाँ से? ये देखें कैमरामैन आप। ये जी खाने भी लोगों के घर खा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। पैसे रहने दे नीचे, पैसे दिखाएं, पैसे दिखाएं, ये तो हमने अपनी मजदूरी ली है। आप किस वजह से लोगों से ज्यादा रेट ले रहे हैं? ज्यादा रेट नहीं है, इसने मुझे बोला था कि आप 30,000 फाइनल करो। मैं अपना पैसे लेते हैं लोगों से। हाँ। और गोश्त भी ले जाते हैं, कहते हैं इसको ले लो, मुझे तो नहीं देते ना। तो तुझे हिस्सा देता नहीं हूँ। कब दिया? देता हूँ। कब दिया मुझे हिस्से में दिया है? नहीं कैसे तुम बात कर रहे हो? जी नाज़रीन ये है वो ग्रुप जो आपके गली मोहल्लों में भी होता है, ऐसे कसाई होते हैं जिनसे आप बच के रहें, और काफी सारे ऐसे आपके इलाके में भी लोग होंगे तो एहतियात करें। और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से और इन कसाईयों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।